ट्यूटोरियल नंबर 100। इस ट्यूटोरियल पे हम बनाएंगे आर्डिनो बोर्ड की सहायता से डिजिटल वेइंग मशीन। डिजिटल वेइंग मशीन या डिजिटल तराजू बनाने के लिए हमें सबसे पहले आर्डिनो यूनो बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप किसी भी टाइप से आर्डिनो बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर 8 Mega 328 माइक्रो कंट्रोलर के लिए हार्डवेयर तैयार करके भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोड सेल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने 20 kg लोड सेल का इस्तेमाल किया है। आप अपने प्रोजेक्ट या अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप लोड के कैपेसिटी के लोड सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोड सेल एम्पलीफायर मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे। यह एक तरीके से एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल का नाम है HX711। इसके बाद हम आउटपुट डिस्प्ले के लिए 4-digit 7-segment LED डिस्प्ले का इस्तेमाल करेंगे। इस डिस्प्ले का नाम TM1637 है। इस पूरे प्रोजेक्ट का अगर हम कंपोनेंट कॉस्ट देखें तो ₹1200 या फिर $14.5 होगा। इस प्रोजेक्ट का वाई डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम लोड सेल और एम्पलीफायर मॉड्यूल का कनेक्शंस करेंगे, जिसमें लोड सेल के रेड वायर का कनेक्शंस एम्पलीफायर के ई प्लस पॉइंट के साथ होगा, ब्लैक वायर का कनेक्शन ई माइनस के साथ होगा, वाइट वायर का कनेक्शंस ए माइनस पॉइंट के साथ होगा, ग्रीन वायर का कनेक्शन ए प्लस के साथ होगा और येलो वायर का कनेक्शंस बी माइनस के साथ होगा। हम जो लोड सेल इस्तेमाल कर रहे हैं उसके 5 आउटपुट हैं। किसी किसी लोड सेल में 4 ही आउटपुट होते हैं। उस केस में आपको बी माइनस और बी प्लस टर्मिनल को फ्री ही रखना है। इसके बाद VCC का कनेक्शन आर्डिनो बोर्ड के 5 वोल्ट के साथ, ग्राउंड का कनेक्शन आर्डिनो के ग्राउंड के साथ, SCK पिन का कनेक्शन आर्डिनो के डिजिटल 6 पिन के साथ, DT पिन का कनेक्शन आर्डिनो के डिजिटल पिन 5 के साथ, और इसके बाद हम TM1637 डिस्प्ले को कनेक्शन करेंगे। डिस्प्ले के पिन 4 को हम ग्राउंड प्रोवाइड करेंगे। पिन 3 का कनेक्शन 5 वोल्ट के साथ होगा। पिन 2 का कनेक्शन आर्डिनो के डिजिटल पिन 3 के साथ होगा और 1 का कनेक्शन डिजिटल पिन 2 के साथ होगा। इस प्रकार से इस प्रोजेक्ट का पूरा वाई डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। लोड सेल का माउंटिंग सेटअप कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम एक बेस प्लेट लेंगे, ये वुड या मेटल किसी का भी हो सकता है। उसके बाद हम एक स्पेसर लेंगे, ये भी वुड या मेटल किसी का भी हो सकता है। उसके बाद हम लोड सेल को कुछ इस प्रकार से ओवरहैंग माउंट करेंगे। लोड सेल के दूसरे पार्ट में हम एक और स्पेसर माउंट करेंगे। उसके बाद ऊपर से भी एक प्लेट हम माउंट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। इसमें हम लोड सेल को माउंट किए हुए हैं 2 प्लेट की सहायता से और लोड सेल के मूवमेंट में स्पेस रखने के लिए 2 स्पेसर का इस्तेमाल किए हुए हैं। और इस प्रकार से सेटअप होने के बाद यहाँ पर हम वेट रख के किसी भी चीज़ का वेट मेज़र कर सकते हैं। हार्डवेयर इंस्टॉलेशन के बाद अब हम इसके लिए कोडिंग करेंगे। कोडिंग में इसमें HX711 हेडर फाइल का रिक्वायरमेंट होगा और TM1637 डिस्प्ले हेडर फाइल का रिक्वायरमेंट होगा। ये दोनों लाइब्रेरी फाइल आपको वीडियो के नीचे डिटेल बॉक्स में मिल जाएगा। ये HX711 का पिन कनेक्शन है और साथ में ये डिस्प्ले के लिए पिन कनेक्शन है। ये एक बहुत छोटा सा कोडिंग है। ये कोड भी आपको वीडियो के नीचे लिंक में मिल जाएगा। आपको सेंसर को डिबग करने के लिए, उसके वैल्यू को डिबग करने के लिए आपको इस पैरामीटर के वैल्यू को चेंज करके आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। डिजिटल वेइंग मशीन का मेरा सेटअप कुछ इस प्रकार से है। इस प्रकार से लोड सेल्स की माउंटिंग है। आर्डिनो यूनो
फोर डिजिटल डिस्प्ले और HX711। इस सेटअप के टेस्टिंग के लिए हम दो वेट का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास 1 kg का वेट है और ये 1/2 kg का वेट है। 1 kg के वेट को हम पहले इसमें पुट करते हैं। अब हम 1/2 kg के वेट को पुट करते हैं। अब हम दोनों वेट को 1 by 1 पुट करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा डिजिटल विंग मशीन काम करेगा। यहाँ पर मैंने ओपन हार्डवेयर का इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह में क्लोज इनक्लोजर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी एक बॉक्स में आप इसे इस पूरे सिस्टम को फिट कर सकते हैं।